चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति के प्रमुख किरदार है। दो बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, चार बार लोकसभा के सदस्य बने तो पांच बार विधायक चुने गए। पंचायत चुनाव के जरिए राजनीतिक करियर का आगाज किया। आज की खास सीरीज से ये जो नेता है, हम आपको बताएंगे हरियाणा के बड़े राजनीतिक चेहरों के अनछुए पहलुओं के बारे में, नेताओं की संपत्ति, दिनचर्या और लाइफस्टाइल के बारे में। ये जो नेता है सीरीज में आज बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लाइफस्टाइल के बारे में। बैडमिंटन और टेनिस खेलते हैं, रिवॉल्वर और पिस्टल भी रखते हैं, ग्रीन टी और ब्लैक टी पीते हैं, भोजन सादा ही खाते हैं। उनके पास कुल 15,67,00,000 की संपत्ति है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको हुड्डा के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। भूपेंद्र हुड्डा का जन्म 15 सितंबर 1947 को हुआ। रोहतक के गांव सादी में जन्मे हुड्डा की आर्थिक शिक्षा गुजरात के सैनिक स्कूल में हुई। 1977 में उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से ग्रेजुएट की। 1974 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। कुछ समय वकालत की, फिर सियासत में आ गए। 1972 से 1977 तक कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष रहे। 1980 में युवा कांग्रेस हरियाणा के उपाध्यक्ष चुने गए। साल 1991 में भूपेंद्र हुड्डा ने चौधरी देवीलाल को रोहतक सीट से पराजित किया। इसके बाद उनका सियासी कद ऊंचा हो गया। 1996 में फिर से रोहतक लोकसभा सीट से देवीलाल को हराया। इसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा को हरियाणा प्रदेश कमेटी का प्रधान बना दिया। 2000 तक वे इस पद पर रहे। 1958 में लगातार तीसरी बार रोहतक सीट से देवीलाल को हराते हुए जीत की हैट्रिक ले ली। साल 2000 में कोल्हई से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। 2004 में भी रोहतक सीट से जीत हासिल की। 2005, 2009, 2014 और 2019 में वे कोल्हई से विधायक चुने गए। भूपेंद्र हुड्डा हथियार रखने के अलावा गोल्ड रखने के शौकीन हैं। 2019 में चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र के अनुसार हुड्डा के पास एक रिवॉल्वर, एक राइफल और एक पिस्टल थी। 10 लाख रुपए कीमत की 25 किलोग्राम चांदी के अलावा 57 लाख कीमत का 1850 ग्राम सोना था। हुड्डा के खुद के नाम एक इनोवा गाड़ी है, HR 29AN साइज नंबर की यह गाड़ी उन्होंने 2016 में खरीदी। खास बात यह है कि हुड्डा की ओर से हरियाणा विधानसभा से 13,20,000 का वाहन कर्ज भी लिया गया। हुड्डा के पास कुल 15,57,00,000 की संपत्ति है, जिसमें से 2 करोड़ की चल जायदाद है, 1,42,00,000 बैंक में डिपॉजिट है। उनके पास उत्तराखंड के उद्यम नगर में गांव बद्रीपुर और नादपुर में कृषि योग्य भूमि के अलावा रोहतक में भी खेतीहर जमीन है। रोहतक के माथुराम भवन में 2 दुकानें हैं। दिल्ली के द्वारका में 1 फ्लैट के अलावा रोहतक के पाश एरिया मॉडल टाउन में 1 भव्य मकान भी है। हुड्डा की सालाना इनकम 30 से 40 लाख के बीच रहती है। साल 2014 और 2015 में उन्होंने अपनी सालाना आय 38,81,000 दर्शाई, तो साल 2015 और 16 में ही है 27,40,000 रुपए रह गई। 2016 में और 2017 में उनकी वार्षिक आय 35 लाख, 2017 और 18 में करीब 38 लाख और 2018 और 19 में करीब 41 लाख रुपए रही। अब बात करते हैं हुड्डा की दिनचर्या और उनकी सेहत के राज। उनकी दिनचर्या साधारण है। सुबह जल्दी उठने के बाद गौ सेवा करते हैं, गाय को रोटी और गुड़ खिलाते हैं, नियमित रूप से बैडमिंटन और टेनिस खेलते हैं। उनका भोजन साधारण है, सुबह वे ग्रीन टी या ब्लैक टी जरूर पीते हैं। उनका मानना है कि वे इससे ऊर्जा मिलती है। वे एक बार तैयार होकर घर में कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद सक्रिय रहते हैं। दिन में सुस्ताने या आराम फरमाने की आदत नहीं है। तली हुई चीजों से खास परहेज करते हैं, खासकर ड्राई फ्रूट में भुने हुए काजू नहीं खाते। बैडमिंटन और टेनिस उनके लिए जुनून की तरह है। वे हरियाणा में विभिन्न जगहों पर अपने रात रुकने में पड़े तो वे सुबह अगर सुविधा हो तो वहाँ टेनिस या बैडमिंटन जरूर खेलते हैं। साल 2005 में वे पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय वे धूम्रपान करते थे, एक तरह से दिन में काफी सिगरेट पिया करते थे
उनके पिता ने उन्हें धूम्रपान करने से मना किया। सेहत के लिए और अपने पिता को दिए वचन के बाद हुड्डा ने धूम्रपान को तोहफा से त्याग दिया।